हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्मिता। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है टेंस। फ्रेंड्स, टेंस को अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं लेसन को। हमारे आज के टॉपिक का नाम है टेंस। टेंस को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी टेंस का मतलब। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है टाइम, और टाइम को हम कहते हैं समय। अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग हमने टेंस के टाइप निकाल लिए, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। तो मुझे लगता है आज तक आपने किसी भी बुक में ये नहीं पढ़ा होगा कि टेंस के टाइप बने कैसे। तो अब आपको लर्न तो नहीं करना पड़ेगा, अब आप समझ गए, आप आपके माइंड में कॉन्सेप्ट सेट हो गया कि आप पढ़ने क्या वाले हैं। ओके, तो पहला है हमारा प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो अब हम अपने वीडियो के उस पार्ट में आ गए जहाँ पे हम टेंस शुरू करेंगे, और हम पहला टेंस शुरू करेंगे कौन सा, प्रेजेंट टेंस। अब आप कहेंगे मैम बहुत सारे होते हैं, प्रेजेंट टेंस होते हैं, पास्ट होते हैं, फ्यूचर होते हैं, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं और कंफ्यूज जाते हैं। सो डोंट वरी, हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, उसके बाद पास्ट एंड देन फ्यूचर। तो फ्रेंड्स मैं एक एक वीडियो में मैंने एक एक लेसन को कवर किया है, इस वीडियो में मैं पूरा प्रेजेंट टेंस कवर करूंगी। और बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप तीनों टेंस में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो प्रेजेंट टेंस को पढ़ने से पहले मैं बताऊंगी आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डूडल्स इज एम आर एंड हैज है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक साथ सारी हेल्पिंग वर्ब क्यों लिख दी, इसका एक रीजन है। मैं इसको आपको अलग अलग भी बता सकती थी, लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप डूडल्स इज एम आर हैज है वो कहीं भी किसी भी सेंटेंस में देखें तो आंख बंद करके आप ये समझ लीजिएगा कि ये टेंस प्रेजेंट का है, ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस को फॉलो करता है। ये चीज आपको समझ में आ गई? ओके, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी किस किस टेंस की ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है डूडल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जो कि हमारा पहला टेंस था आपने पढ़ा है पीछे भी। इज़ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट। और इसको भी मैं बताऊंगी कैसे मैंने इसको निकाला, मैंने पहले लिख दिया था आप बता देती हूँ। तो देखिए ये हमने कैसे निकाला, तो मैंने आपको जैसे जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जब ये ना निश्चित हो कि काम कितना हुआ है और काम कब हो रहा है तो क्या होता है इंडेफिनिट, तो इससे हमारा निकला इंडेफिनिट। और इज एम आर एंड आई एन जी काम के कंटिन्यू होने को बताते हैं, इससे हमारा बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें इज एम आर होगा वो कंटिन्यू काम हो रहा होगा, कंटिन्यूअस टेंस होगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज हैव के साथ आती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैं लिख देती हूँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे आती है प्लस आई एन जी फॉर्म, और यहाँ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें बताती है कि कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है, लाइक एग्जांपल गो वेंट गॉन। सो गो वेंट गॉन, ओके। अगर आपको फॉर्म्स नहीं आती सो डोंट वरी, मैं इसका आगे एक वीडियो अपलोड करूंगी अलग से, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हमें ऑलरेडी ये बताती है कि काम कंप्लीट हो चुका है, गॉन जा चुका है। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा टायर्ड, टायर्ड का मतलब ही होता है थका हुआ, मींस वो थका हुआ है पहले से। ठीक है, तो जब भी हैज हैव होगा तो हमें ये बताता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से काम परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, इसलिए इसका है प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, और इसका एक पार्ट और बनता है, इसको इरेज़ कर देती हूँ यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको बताया प्रेजेंट टेंस के फोर टाइप्स, मैं पहले बता चुकी थी, और आपको मैंने इसकी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बता दी है। तो अब हम पढ़ेंगे पहला टेंस प्रेजेंट डेफिनिट टेंस।
में आ रहे हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, जैसा मैंने आपको बताया डू डज होगा तो कंफर्म है कि वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होगा। अब आप कहेंगे मैम हिंदी में भी तो बता दीजिए, ये तो इंग्लिश का पहचानने का तरीका हो गया, हिंदी में अगर कोई सेंटेंस लिखा है तो हम कैसे पहचानेंगे, तो हिंदी में भी है उसका तरीका। देखिए जिन वाक्यों के अंत में आपको ता है, ती है, ती हूँ, ता हूँ नजर आए तो वो आपका प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होगा। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, वह बाजार जाता है, मेरी मम्मी खाना बनाती हैं, तो आप देख रहे हैं ना सब में ता है ती है आ रहे हैं, तो जब भी ये वर्ड्स नजर आए आपको तो आप ये समझ लीजिएगा वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। और इंग्लिश में और कैसे पहचान सकते हैं, डूडल से तो आप पहचानेंगे, लेकिन इंग्लिश में और भी तरीके होते हैं। हैबिट, जो सेंटेंस आपको हैबिट बताते हैं, जैसे मैं किताब पढ़ती हूँ आई रीड द बुक, मैं बाजार जाती हूँ आई गो टू द मार्केट, तो ये आपके प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होंगे। रूटीन बताने के लिए, स्केड्यूल बताने के लिए, हैबिट बताने के लिए प्रेजेंट टेंस यूज होते हैं। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि न्यूज़पेपर में भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए पढ़ते हैं इस टेंस को, और अब हम पढ़ेंगे इसकी फॉर्मेशन। फॉर्मेशन पढ़ेंगे, और फॉर्मेशन में पहला हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आप कहेंगे मैम अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कोई काम हाँ मैंने ये काम किया है, कोई काम साधारण होता है, पॉजिटिव में होता है। जैसे मैं किताब पढ़ती हूँ, मैं बाजार जाती हूँ, हर जगह काम के होने का प्रूफ होता है कि काम किया जा रहा है, वो होते हैं अफर्मेटिव। अभी मैंने कह दिया कि नहीं मैं किताब नहीं पढ़ती हूँ, मैं बाजार नहीं जाती हूँ, तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसकी फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं, तो इसकी फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन जाने से पहले मैं एक चीज जानना चाहूंगी, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीजें तो आपको पता ही होंगी, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि सेंटेंस में वर्ब जो काम हो रहा होता है वो होती है हमारी वर्ब, एक्शन जो हो रहा होता है वो होती है वर्ब, और वर्ब में अगर हम पूछ लेते हैं कि ये काम कौन कर रहा है तो वो होता है हमारा सब्जेक्ट, और जिस काम को कंप्लीट किया जाता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल मैं किताब पढ़ती हूँ, पढ़ना, पढ़ती हूँ ये एक्शन हो रहा है तो ये हो गई वर्ब, कौन पढ़ रहा है, मैं पढ़ रही हूँ तो आई क्या हो गया सब्जेक्ट, और काम क्या हो रहा है किताब को पढ़ा जा रहा है तो किताब हो गई आपकी ऑब्जेक्ट। तो इसी से हमारी बनी है फॉर्मेशन। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इसी का प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट को अलग अलग इसलिए लिखा है इस फॉर्मेशन को, इससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि इसमें हम सिंगुलर सब्जेक्ट में एस या ईएस जोड़ते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट में नहीं जोड़ते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेकर, इसीलिए मैंने ये स्ट्रक्चर अलग अलग आपके लिए लिख दिया हुआ है। तो देखिए लेते हैं एक एग्जांपल, रमेश बाजार जाता है, रमेश बाजार जाता है, तो देखिए रमेश कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, he, she, it और name of any person ये होते हैं आपके सिंगुलर सब्जेक्ट, I, we, you, they, these, those ये सब आपके होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, तो रमेश है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे रमेश, इसके बाद क्या आएगी वर्ब आएगी, वर्ब लिख देंगे हम गो, और हमने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है एस या ई एस, तो हम ऐड करेंगे वर्ब में ई एस, रमेश गो, और कहा जाता है रमेश बाजार जाता है, और जाने के लिए हम यूज करते हैं हमेशा टू, रमेश गोज टू द मार्केट। देखा आपने कितने इजीली हमने इसको स्ट्रक्चर को देख के इसे बना लिया है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे इसे लर्न करना पड़ेगा स्ट्रक्चर को। ओके चलिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर टू, वे किताब पढ़ते
इसको मैं लिखूंगी, इसको आप मुझे बताएंगे। आप बताइए वे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वे की इंग्लिश दे। तो हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाया दे, फिर हमने लगाई वर्ब, वर्ब क्या पढ़ना, दे रीड, क्या वर्ब में कुछ लगाना है, नहीं कुछ भी नहीं लगाना है, तो हमने तो एज इट इज छोड़ दिया, तो दे रीड द बुक। आपको समझ में आया? तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जिसका स्ट्रक्चर है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो लेते हैं एक एग्जांपल, रमेश बाजार नहीं जाता है। तो बनाने से पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमने देखा रमेश नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट रमेश, सिंगुलर सब्जेक्ट का डज नॉट, रमेश डज नॉट, देन वर्ब गो टू द मार्केट। तो देखा हमने कितना इजी है फॉर्मेशन को देख के सेंटेंस को बनाना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, एक एग्जांपल लेंगे, वे बाजार नहीं जाते हैं, तो दे वे की इंग्लिश दे, प्लूरल की तरह हम लिखेंगे डू नॉट, वर्ब गो टू द मार्केट। तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। और फ्रेंड्स मैं चाहूंगी कि जब मैं बनाती हूँ तो आप ही फॉर्मेशन को देख के कॉपी पेन लेके इसे बनाइए, तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें किस तरह के सेंटेंसेस पूछे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वर्ड के वर्ड को सुनते ही हमें पता चल रहा है इंट्रोगेटिव मतलब इंटरोगेट करना, किसी से क्वेश्चन पूछना। तो इससे हमें ये पता चलता है इन सेंटेंसेस में आपको क्वेश्चन वर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि राम बाजार क्यों जाता है, तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो, तुम्हारा क्या नाम है। तो कहने का मतलब WH फैमिली मीन्स क्वेश्चन वर्ड इसमें आपको मिलेंगे। और दो तरह से होते हैं सेंटेंस, जिसमें पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे क्या राम बाजार जाता है, क्या वह किताब पढ़ती है, क्या बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, इसमें पहले क्या बोला जाता है क्वेश्चन पूछा जाता है। और सेकंड इसका टाइप होता है बीच में आते हैं क्वेश्चन वर्ड, लाइक तुम बाजार क्यों जाते हो, वे कितना दूध पीते हैं, तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्या करते हो। तो इसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है और दोनों को बनाने के जो तरीके हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप, जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है फॉर्मेशन को। फॉर्मेशन है हमारी डज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम लेंगे डू प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस। तो ये हमारी फॉर्मेशन, देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल है हमारा, क्या सीता किताब पढ़ती है, क्वेश्चन मार्क। जैसे पहले भी बताया मैंने कि सेंटेंस को बनाने से पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, तो हमने यूज की ये फॉर्मेशन,
रहेगा डज सीता, इसके बाद क्या होगा वर्ब है, वर्ब क्या है पढ़ना, रीड द बुक। यहाँ पे रीड अ बुक भी कर सकते हैं, दोनों सही है। ओके लेते हैं एग्जांपल नंबर टू। एक सिंगुलर सब्जेक्ट का लिया, अब हम प्लूरल सब्जेक्ट एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया क्या वे कपड़े धोते हैं, साथ में क्वेश्चन मार्क। तो अब क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम यूज करेंगे ये वाली फॉर्मेशन। अब क्या होगा, क्या कीजिएगा डू, सब्जेक्ट है हमारा दे, वे यानी डू दे, अब पर क्या है धोना, धोने की इंग्लिश वॉश, बाद कपड़े वॉश द क्लॉथ्स, कपड़े हैं तो इसने क्लॉथ लिखी है, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो क्या वे कपड़े धोते हैं, डू दे वॉश द क्लॉथ्स। सो आपने देखा एग्जांपल फॉर्मेशन के थ्रू कितने इजीली एग्जांपल बन गए हैं। तो नेक्स्ट टाइप में पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट टाइप होता है ना इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं, जैसे एग्जांपल राम बाजार क्यों जाता है, तो उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम करेंगे क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिख देंगे, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है इसके पहले वाली फॉर्मेशन में और इसमें, इसमें मैंने ये रख नहीं किया है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे ऐड कर देना है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, या आप इसे कह सकते हैं डब्ल्यू एच फैमिली, मीन्स जितने भी क्वेश्चन वर्ड है उस फैमिली, ठीक है। और यहाँ पे भी क्वेश्चन वर्ड आपको पहले ऐड कर देना है एंड बाकी एज इट इज रहेगा। तो एग्जांपल लेते हैं, हमें एग्जांपल हमने लिया पहला सुनीता खाना क्यों बनाती है, सुनीता खाना क्यों बनाती है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले आया, सॉरी बीच में आया, तो हम क्या करते हैं जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, तो हमने इंग्लिश लिखी इसकी बाई, सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो क्या लगेगा डज बाई डज, सब्जेक्ट सुनीता बाई डज सुनीता, अब क्या है वर्ब खाना बनाने की कुक, कुक द फूड एंड क्वेश्चन मार्क। सो सुनीता खाना क्यों बनाती है, व्हाई डज सुनीता कुक द फूड। लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, वे क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, तो फिर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर, अब सब्जेक्ट कैसा है प्लूरल है, हम ये फॉर्मेशन यूज करेंगे, तो डू वेयर डू, अब प्लूरल सब्जेक्ट वेयर डू दे, नाउ वर्ब प्ले, बस इतना ही है। अच्छा क्रिकेट भी है, प्ले द क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये मत भूलिएगा बिल्कुल भी। सो वे क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, वेयर डू दे प्ले द क्रिकेट। तो अब यहाँ पे हमारा ये भी एंड होता है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, इंट्रोगेटिव निगेटिव। यस फ्रेंड, जैसे आपने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस अभी तक, अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव, मतलब जिसमें इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन तो पूछा जाए साथ में नेगेटिव वर्ड्स भी हो, जैसे क्या राम बाजार नहीं जाता है, क्या वे दूध नहीं पीते हैं, और इसका सेकेंड टाइप जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो, वे किताब क्यों नहीं पढ़ते हैं, बच्चे पार्क में क्यों नहीं खेलते हैं,
तो चलिए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ। तो पहला हमारा टाइप का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है डज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए लेते हैं इसका एक एग्जांपल। तो हमारे पास एग्जांपल है क्या वे किताब नहीं पढ़ते हैं। तो सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस के सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हमने देखा प्लूरल दे, तो हम यूज करेंगे दिस फॉर्मेशन। तो सबसे पहले यूज करेंगे क्या की जगह पे हम डू, देन प्लूरल सब्जेक्ट डू दे। अब सेंटेंस में नहीं है तो नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, अब ऑब्जेक्ट रीड द बुक। इस फॉर्मेशन से जुड़ी एक बात आपको बताना चाहूंगी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमेशा याद रखिए कि नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद पुट करते हैं। बहुत कंफ्यूजन होती है, स्टूडेंट बहुत गलत करते हैं ये चीज। तो आप एक चीज सेट कर लीजिए, नॉट को हमेशा सब्जेक्ट के बाद पुट करते हैं सिर्फ इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। ओके, तो लिखते हैं सेकंड एग्जांपल। क्या सीता खाना नहीं बनाती है? सॉरी नहीं क्वेश्चन। ओके, सो फिर हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है सीता, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यूज करेंगे दिस फॉर्मेशन। तो क्या के लिए हम यूज करेंगे डज, के बाद सीता, के बाद नॉट, देन वर्ब कुक, बनाने की इंग्लिश होती है इसको द फूड, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप फिनिश होता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसका सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जैसे मैंने बताया था क्वेश्चन मार्क बीच में आता है। जैसे यहाँ पर है क्या वे किताब नहीं पढ़ते हैं, तो अब इसका एग्जाम्पल हो सकता है वे किताब क्यों नहीं पढ़ते हैं। और यहाँ पर है क्या सीता खाना नहीं बनाती है, सीता खाना क्यों नहीं बनाती है। तो देखते हैं इसी में इसको देख लेते हैं। तो मैं एग्जाम्पल को इरेज कर रही हूँ और यहीं पे आपको बता देती हूँ। और इसके फॉर्मेशन में आपको सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देना है। और यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है। क्वेश्चन वर्ड जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने कहा सीता खाना क्यों नहीं बनाती है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों है, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिख देती है। देखते हैं कि एग्जांपल लिख लूं। पहला एग्जांपल मैं यही ले लेती हूँ, सीता खाना क्यों नहीं बनाती है। सो हमारी फॉर्मेशन आपको दिख रही है, और ये भी देखेंगे हम सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल, सॉरी यहाँ पे प्लूरल है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम यूज करेंगे दिस फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, क्यों। तो क्यों की इंग्लिश लगेंगे हम सबसे पहले, तो क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई, तो हमने यूज किया वाई। अब इसके बाद देखिए क्या है, डू या डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसलिए हम यूज करेंगे यहाँ पे डज। तो why does, अब सब्जेक्ट सीता, अब नहीं भी है वाक्य में, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, खाना बनाने की होती है कुक,
द फूड एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ओके देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल. अब हम लेंगे प्लूरल, तो हमने लिया वे क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं. तो सबसे पहले आएगी क्वेश्चन मार्क की इंग्लिश, इसके बाद हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट है प्लूरल, हम यूज करेंगे दिस फॉर्मेशन. तो क्यों इंग्लिश वाई के बाद डू अब सब्जेक्ट वाई डू दे और इसके बाद आता है नॉट. खेलने की इंग्लिश वर्ब, खेलने की इंग्लिश प्ले प्ले द क्रिकेट लास्ट में क्वेश्चन मार्क. तो दे क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं, Why do they not play the cricket? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस फिनिश होता है. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इस वीडियो को देखते देखते आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा. आपको आपका होमवर्क डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैं आपको कुछ 10 सेंटेंसेस दे दूंगी जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने उन फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा जो टेंस सीखना चाहते हैं. तब तक के लिए फ्रेंड्स देखते रहिए मेरा वीडियो. कीप लर्निंग कीप वॉचिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग.